तो आप सभी लोगों का स्वागत है रणजी राउत स्टड फॉर्म में, और आप सर को देख के समझ गए होंगे कि हम कहां पर बैठे हुए हैं, तो बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। जब भी सर, जो बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद पहला इंटरव्यू करे हुए 3-3.5 साल तो हो ही गई जी, करीब 4 जब मेरी शुरुआत ही थी, जब बिल्कुल 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, 2 साल तो कोरोना में ही निकल गए, पता ही नहीं लगा। तो सर एक बार, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपना जो ये फार्म है वो किस जगह पे, यानी कि लोकेशन क्या है इसकी। प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्ते सर। और ऐसे 5-5 साल से आओगे तो शायद हो सकता है हमारे भूल पड़ जाएगी। ना ना ना, ना। तो कभी कभार क्या कि ये घोड़े लाइन है, साल 2 साल में एक आधा धमाका चलता रहता है। बिल्कुल तो सर। कभी डिस्कस कर लिया करो या इस बार ने मिल लिया करो। नहीं सर, आप देखो ना कितनी घनी बरसात है जब भी आए ना। उदयपुर का मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में तो स्पेशली हर साल ही आना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता फैमिली के साथ आना चाहिए। आपका काम साइड में चलता रहे, मम्मी पापा परिवार में जो भी है मिसेज बच्चे, तो उन सबको भी एंजॉय का टाइम मिले और इसी बहाने वो 2 दिन उदयपुर का एंजॉय कर पाए। बिल्कुल सर। और उदयपुर आज इंडिया की कोई कम सिटी नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी है, तो बहुत ही जोरदार। इस टाइम तो खैर मैं क्या कह सकता, स्वर्ग है, स्वर्ग है, और इसका आनंद लेना चाहिए। और आपके यहाँ तो पानी समान नहीं रहा है, यानी कि पानी हमारी यहाँ की जमीन पानी छोड़ रही है, मतलब दीवारों के अंदर से पानी नाले की तरह आ रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, भगवान की मेहरबानी है और समय आता है चला जाता है। एक बार सर अपना नाम, फार्म का और लोकेशन बता दें। मेरा नाम प्रवीण कोठारी है। बिल्कुल। मेरा ये फार्म गोगुंदा रोड पे थूर गांव में है। थूर गांव में, मेन रोड के ऊपर है, रणजी राउत स्टड फार्म के नाम से। बिल्कुल। तो सर मैं अभी जानना चाहूंगा कि अपने फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी, टोटल की बात करें। जी अभी मेरे पास 13 जानवर है। 13 है, तो 13 में कितनी घोड़ियां हैं, कितने बच्चे हैं? मेरे पास 7 घोड़ियां हैं, 4 मेरी बच्चियां हैं जो होमब्रिड की हुई है, एक बच्चा है और एक घोड़ा है। एक घोड़ा है जी, जो विजय देव है। विजय देव है जो अभी आप सभी जो लोग अभी स्क्रीन पर जो घोड़ा देख पा रहे हैं, विजय देव। हालांकि बारिश की वजह से वो वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपको धूप के टाइम पे देखा है, पर जब भी एक कोशिश की है कि आपको घोड़ा दिखाएं। तो सर मैं चाहूंगा कि जो घोड़ा अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसके बाप का नाम क्या है? वैसे तो मेरे को लगता है कि ये इसने तो अपनी खुद की लाइन बना ली है, पर जब भी लोग, कभी कभार लोगों की एक उम्मीद रहती है कि एक कि हम भी उनकी डिटेल के बारे में जाने। देखो लाइनें तो बरसों से हैं, पुरानी लाइनें हैं। बिल्कुल। लेकिन पैसे के महत्व में लाइनों को लोगों ने झूठ बोल करके खत्म किया है। बिल्कुल सर। लाइनें पहले चलती थी घोड़ों के नाम से, ठिकाने के नाम से, जगह के नाम से, और वो लोग भी मर्यादित थे जो कभी भी राजपूतों का हमेशा ये बलिदान रहा है, सर कट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। बिल्कुल सर। तो वो बलिदानी के रूप में ही घोड़े भी आगे चलते थे, उन्हीं ठिकानों से जो अच्छे अच्छे घोड़े निकले थे वो घोड़े ही उस टाइम स्वयं बोली के नाम से जाने जाते थे। आज एक बहुत बड़ा संशोधन आ गया है जो DNA टेस्ट। बिल्कुल। और उससे घोड़े अप्रूवल हो जाते हैं। उसमें क्या है कि यह नहीं रहा कि भाई कौन आदमी कितना झूठ बोल सकता है। अभी हम सुन रहे हैं भ्रांति कि भाई पैसे वाले झूठ बोल सकते हैं, बड़े फार्म वाले झूठ बोल सकते हैं, गरीब भी झूठ बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है। ये क्या है मैं आपको बताऊं, झूठ बोलना नहीं बोलना ये आदमी की खुद की खानदानी और संयमता पे आधार है। और झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अगर ठीक है कुछ लोग पैसे के लिए या कुछ के कैसे, समय के अनुसार समझ लो आप, समय के अनुसार कुछ भी लोग बोलते हैं, मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमेशा ये बडेरों ने भी कहा है कि सत्य की जीत है, तो झूठ कभी चलने वाला नहीं है। तो सर मैं जानना चाहूंगा अभी अपने सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है विजय देव, इसके बारे में एक बार बताएं, बाप कौन है, माँ कौन है और क्या है इसका? इसका बाप कन्हैया है। और कन्हैया मुझे जहां तक है, मैं उस टाइम इंटरेस्ट घोड़े में नहीं था, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके 100 विनर का और उसका लोगों के जो परिचय है उनके बारे में सुन के और जहाँ से गया है और जहाँ रहा है उसकी तारीफ सुन के ये सोचा कि वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था। बिल्कुल। और कन्हैया का ये एक बच्चा है। अब रही बात इसकी बाप की लाइन से, तो ये कन्हैया का बच्चा है। इसकी माँ जो है वो बब्बू की बेटी थी तेजरूप। तेजरूप वो व्यासों की डाणी में खड़ी थी और वहीं ये जन्मा था, वहाँ से मैं लेके आया था, मेरे गुरु जी मान सिंह जी भावता वालों ने मुझे ये दिलाया था। ओके। तो ये बच्चा मैं वहाँ से लेके आया था, माँ की लाइन भी बड़ी स्ट्रांग और मजबूत घोड़ी थी। उसकी जो बहन है वो भी एक से एक बढ़ के हिंदुस्तान के अंदर नाम किया है। तो सर अभी जैसे बाप तो है नहीं है ना जी, तो इसकी माँ है अभी? जी माँ भी नहीं है, माँ भी करीब 27-28 साल की होके अभी खत्म हो गई है, तो माँ आज की डेट में नहीं है। तो सर उम्र और अगर हाइट की बात कर लें जी, तो उसके बारे में एक बार बताएं। यह घोड़ा करीब अभी 17 साल के आसपास हो गया है। 17 साल जी, 17-18 साल का हो गया है। जिस टाइम मैं लेके आया था उस टाइम ये करीब 3.5 साल के आसपास था, और मुझे लाए हुए
करीब 13 साल हो गई है, यानी कि आपके फार्म पर ही। मेरे फार्म पे 13 साल हो गई है। मैं 2008 में शायद ये घोड़ा लेके आया था, 2-4 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, ये चैत्री मेले का टाइम था, उस टाइम लेके आया हूँ। तो सर अगर बात करें अब इसके रिजल्टों की, जी आप कवरिंग तो देते नहीं है तो सबों को पता ही है, मेरे को लगे है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है जी। तो इसके जो रिजल्ट है वो किस तरीके के आ रहे हैं उसके बारे में भी हम एक शॉर्ट में डिस्कस करें, क्योंकि अपना सबसे मेन जो मुद्दा है वो है डीएनए का जी। तो शॉर्ट में अपन एक बार घोड़े के रिजल्ट के बारे में भी लोगों को बताएं। देखो जैसा है शॉर्ट में करेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी कवरिंग नहीं देने का भी बहुत बड़ा रीजन रहा है। बिल्कुल, जब यह घोड़ा आया था तो कई लोगों ने यह कहा घोड़ा क्या करेगा, हमारी घोड़ियां करती है। तो मैंने उस पर भी दिमाग लगाया था, मैंने कहा था कि हमेशा ये कई लोग घोड़ियां वाले ये बोलते हैं कि 80% घोड़ियां ही काम करती है, घोड़ा काम नहीं करता है। बिल्कुल, जिस जमाने में घोड़ियां काम करती थी उस टाइम घोड़े वाले बेचारे सांड घोड़ों को बड़ी मुश्किल से पालते थे, और 100-100 कोसों के 50 कोसों के एरिया में घोड़े भी नहीं होते थे, तो वो घोड़े वाला एक होता था, घोड़ियों वाले 1000 होते थे। बिल्कुल, तो जिनकी वाटर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो तो उनकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल, तो वो उस टाइम कहते थे घोड़ियां काम करती है, घोड़ा नहीं करता। यह उस समय की बात कर रहा हूँ। आज के समय में घोड़े का बहुत क्रेज आ गया है, तो आम आदमी घोड़े का नाम लेके चल रहा है, क्योंकि घोड़े अच्छे पैसों में बिके हैं, वो भी वजह है, घोड़े वाकई घोड़े लग रहे हैं वो भी वजह है। तो अब इसका दोनों के वार्तालाप से मैं तो ये चाहता हूँ कि उस टाइम मेरे को कुछ लगा था, महसूस हुआ कि भाई इस घोड़े के साथ अपने को अच्छी घोड़ियां लाके और अच्छी अपने अच्छे लोगों से लागे, जो निपुण घोड़ियां भी हो और ब्लड लाइन से वो सही बता के किस घोड़े की है, उस घोड़े की कह के देवे, उन घोड़ियों के साथ अपन ब्रीड करें। और उससे मैंने ब्रीड किया और उससे अच्छे बच्चे पैदा हुए हैं। तो बाजार में मैं अगर मेटिंग दे देता तो फर्जी बच्चे इसी कलर के लाखों लोग बना लेते और मैं उनका आकलन भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, क्योंकि मैं कितने की ध्यान रखता। तो मैंने इस घोड़े के साथ जो ब्रीड किया है वो इसी स्टेबल में किया है। मैंने 3 दोस्तों को मेटिंग दी थी, वो तीनों दोस्त अपने हैं और वो तीनों के क्लियर है और वो क्लियर ही आज बच्चे हैं। तो सर अगर टोटल बच्चों की बात कर ले अगर आपके जी, तो पता है आपको? मेरे को बिल्कुल पता है कितने। मैंने तो परसों ये डीएनए का कांड हुआ था उसके बाद और दिमाग पे जोर डाल के सब बच्चों को याद किया था। अच्छा। तो करीब 5-6 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं किसी कारणों से, बाकी करीब आज की डेट में 35 बच्चे हैं, जिसमें 5 मेरे पास है और 30 मार्केट के अंदर। किस किस के पास में ये भी पता है क्या? बिल्कुल पता, पूरी लिस्ट बना रखी है। अच्छा। और जहां तक आज की पोजीशन में, जो कल की पोजीशन थी, हमारे यहाँ से कई बिका, फिर आगे वो 2 बार 3 बार 4 बार सेल चल के चला गया, लेकिन मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखता हूँ कि बच्चा कहाँ जा रहा है, और कहीं से भी बच्चे की फोटो आ जाती है या कहीं से बच्चा था हमारे पहचान में आ जाता है तो हम उससे कंफर्म करके, जहाँ आज की पोजीशन में खड़ा मैं, आज की पोजीशन का पता मुझे बच्चे कहाँ खड़े हैं। तो सर अगर हम बात करें जो अभी मार्केट का मेरे को लगता है इंटरनेशनल न्यूज है डीएनए की जी, तो आपका घोड़ा तो डीएनए हो रखा है ना जी, तो सर डीएनए पे आप क्या कहना चाहोगे कि डीएनए आपके हिसाब से सही है? क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में मार्केट में 85% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डीएनए बहुत अच्छा है, झूठ सामने आ रहा है जी, और 15% वो लोग हैं एक तरफ जिनके घोड़े के डीएनए नहीं है जी, और जिनके भी घोड़ा घोड़ी मार्केट में अननोन निकले हैं या निकलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, तो वो लोग मेरे को लगता है विरोध में उतरे हुए हैं। तो उस डीएनए के बारे में आपको क्या लगता है कि सही है या नहीं है? देखो हर सिक्के के दो पहलू है, विरोध करने वाले भी मिलेंगे, बुराई करने वाले भी मिलेंगे, अच्छाई करने वाले भी मिलेंगे, अपने को उस चीज पे नहीं जाना है। मैं तो उस चीज पे ऑथेंटिक जाता हूँ, पुराना जब विश्वास था वो विश्वास तो अब लोगों का खत्म हो रहा है, तो अब विश्वास हो रहा है डीएनए का। बिल्कुल, तो आप डीएनए कराने में घबराते क्यों हैं? जब मैंने डीएनए का प्रचलन आया था, आज के साथ हो सकता है 4 साल हो गई, पासपोर्ट मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं आप पहले कह देते तो मैं लेके भी आ जाता। बिल्कुल सर, तो डेट और पासपोर्ट में आपको बता देता कि उस टाइम में ही मैंने डीएनए करवा लिया था। शायद कल दिनेश जी ने बताया था कि उनका बच्चे का 4 साल पहले हो गया। कोई नहीं, तो सर आप मेरे को पासपोर्ट की फोटो भेजना, मैं इसमें लगा दूंगा। मैं तो कहता हूँ कामदेव का उन्होंने कराया था, उससे पहले मैंने डीएनए करवाया था। बिल्कुल, और उसकी माँ का करवाया, जैसे इसका करवाया, तो हमारे मन में ये हमेशा भाव रहे हैं कि सदा सत्य बोलना है, कभी मन में या सपने में भी नहीं आया कि झूठ बोल के कुछ काम करना है। बिल्कुल, तो ये चीज तो कभी सोची नहीं है। अब उसको अट्रैक्शन लोग ले लेते हैं किसी दायरे से, किसी के से झूठ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बनती नहीं है। बिल्कुल, डीएनए सत्य है और डीएनए होना चाहिए, और डीएनए से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई घोड़ा लग रहा है उसका है, आप कमेंट्स आ रहे हैं, अभी मैं काफी दिनों से ये चर्चाएं सुन रहा हूं कि यार ये उसका है, हमने डाउट था इसलिए उससे कराया वो कराया, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, तो आप उसको डाउट ही लिखिए, आप ये मत कीजिए ये उसका, ये किसी का भी हो सकता है। आप ये लीजिए किसी का भी हो सकता है। अब जब आप कहेंगे ना किसी का भी हो सकता है, तो आप पर्टिकुलर किसी घोड़े पे उंगली नहीं उठेगी, और बहुत अच्छा होगा कि वो डीएनए होगा जो सामने आ जाएगा, लेकिन अपन पर्टिकुलर किसी घोड़े का नाम लेके फिर कहते हैं ये कंफ्यूजन है, तो मैं वो थोड़ा। तो सर अब जैसे मार्केट में अगर आप
कह रहे हो डीएनए सही है, आपने यही बोला ना? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जो घोड़े वालों के बच्चे मार्केट में आज खूब घूम रहे हैं जी, तो क्या उन घोड़े वालों को डीएनए नहीं कराना चाहिए? आज वो क्यों घबरा रहे हैं? डीएनए करवाना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और डीएनए करवा के अपने एक स्टैंड पे आना चाहिए। लोगों को आने वाले समय में लोगों को जो विश्वास बनाने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ किसी ने गलती कर दी, चलो भूल के लिए भगवान माफ कर देता है, पहले जो बीत गया उसके बारे में आप चलो कोई बात नहीं सोचना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर सोचना है कि अपन डीएनए से अच्छे घोड़े की ब्रीड से और कंप्लीट पेपर से घोड़े का काम करें। घोड़े में ताकत होगी, दो पैसा अपने आप मिलेगा। ये झूठ बोल के धंधा करने वाला, हमारे जब हम पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि चोरी का माल मोरी में जाता है, तो चोरी का पैसा कभी फलीभूत नहीं होगा। घोड़ा तो देव रतन है, इसके पैसे कहीं टिकने वाले नहीं है। अपना शांति से अच्छा सा प्रूफ दे के किसी भी गरीब का या अमीर का पैसों पर नजर नहीं रखनी है, घोड़े पर नजर रखनी है कि घोड़ा कैसा और कितना पैसा लेना है, उसी आधार पे चलना चाहिए। तो सर अभी जैसे मार्केट में आपको भी पता है दो सोसाइटी आज डीएनए में काम कर रही है जी, है ना जी। अपना किसी सोसाइटी से कोई वो नहीं है दुश्मनी जी, पर अभी क्या है कि देखो लोग सोसाइटी के नाम पे देखो कि डीएनए उससे कराए, डीएनए उससे कराए जी। लोगों को मेरे को लगता है एक मुद्दा मिला हुआ है जी। मुद्दा कैसे कि भाई हम तो उससे नहीं, हम इससे कराएंगे, ये हम तो दोनों से जब कराएंगे जब दोनों सोसाइटी एक हो जाएगी जी। और ये सारे लोगों को अच्छे से पता है कि दोनों सोसाइटी एक नहीं होने वाली जी, जहां तक मेरे को लगता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो आप कल्पना कर सकते हो और कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। दोनों सोसाइटी का डीएनए कराना है या घोड़े का कराना है? डीएनए घोड़े का करवाना है, सोसाइटी का नहीं करवाना है। सोसाइटी का थोड़ी कराना, ठीक है ना? तो आपको घोड़े का डीएनए किसी से भी कराओ ना, आप डीएनए करा दो, आपकी इच्छा हो जाओ कराओ, कहीं भी कराओ, आपका जहां मन मिलता है जहां इच्छा है। और जो ये झगड़े चलते हैं डाटा शेयर करने के वो करने के, मैं एक चीज और कहता हूँ, ये आज दो सोसाइटियां हैं, हो सकता है कल हिंदुस्तान में चार सोसाइटी और खड़ी हो जाए, हो सकती है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। डीएनए कौन कर रहा है आपको उस पर जाना चाहिए। जो संस्था डीएनए कर रही है उस संस्था का दायित्व बनता है कि जिस नाम से जिस घोड़े के लिए ये डीएनए आया तो वो संस्था उसके डीएनए से रिपोर्ट बाजार में दे, क्योंकि वो संस्था पूरे हिंदुस्तान की है, वो संस्था किसी दो संस्थाओं की नहीं है, वो किसी चार संस्थाओं की नहीं है। तो उसको ये डाटा जो है वो करना चाहिए ओपन, और उसी को ये डीएनए के साथ में, मैं तो कहता हूं मैं गरीब आदमी हूं, मेरे दोनों सोसाइटी के पास जाने की अप्रोच नहीं है और मुझे जाके डीएनए करवाना है, तो मेरे को उस संस्था की जो फीस और माध्यम और जो तरीका है उस रेगुलेशन से भर के फार्म और डीएनए करवाना चाहिए। उस संस्था की जवाबदारी बनती है कि वो घोड़ों का आगे प्रचलन करने के लिए डीएनए का अप्रूवल, अपना जो डीएनए जिससे वो लिख के दे रहा है उससे डीएनए मिला के उसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो सर जैसे आप जो कह रहे हो, चलो डीएनए जो हो रहा है वो हो, लास्ट में जाके दोनों का एक ही जगह मिलान हो रहा है ना, बिल्कुल। अब मान के चलो आप जो चीज ने आपने बोली, देखो अपन किसी का पहवर नहीं कर रहे जी, पर एक सोसाइटी ने जैसे कि एक बंदे ने मेहनत करी जी, तो उसकी मेहनत का फल दूसरा ले, तो ये आपको लगता है कि सही है कि गलत है? नहीं, उन्होंने मेहनत की है, सही गलत का निर्णय इसलिए मैं नहीं लेता हूं, मेहनत की और मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल ये सामने आ रहा है, बिल्कुल पब्लिक को इसका बहुत फायदा मिला है। और आज जैसे कांड उजागर हो रहे हैं तो उससे लोगों का डर और भय बैठने से 50% तो सक्रियता वैसे ही आ जाएगी, बिल्कुल। अब रही बात 50% जो छुपा छुपी खेल रहे हैं, वो खेलने से कुछ नहीं होगा, वो अंत समय में एक एक जब डीएनए एक कंपनी कर रही है तो डीएनए करवाना चाहिए। ये आपस के झगड़े में अपने को आम आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, ये अलग अलग नॉन्स है, इनकी कुछ भी करे, हमारे को डीएनए से काम और डीएनए होना चाहिए। अब रही बात, आज मेरी इस सोसाइटी से बनती है, इसने डीएनए करवाया और ये मेरा डाटा शेयर नहीं करते हैं, कल मेरी इनसे नहीं बनेगी तो मुझे तो इनका गुलाम होना पड़ेगा डीएनए कराने के लिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कब तक गुलाम रहूं? मेरी इच्छा है, मेरे समय मेरे को साथ, देखो इसमें कई बातें जुड़ती है, आपको कितनी जल्दी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कोई आदमी कितने कम पैसे में डीएनए करके दे रहा है, ऑथेंटिक डीएनए मिल रहा है, कितने प्यार से मिल रहा है, किसकी किसके साथ जमती है, ये सब चीजें उस एंगल पे काम करती है। डीएनए तो अपने आप में है ही है, लेकिन रिलेशन के आधार पे हर आदमी अपना अपना डीएनए कराता है, तो वो डीएनए करा के सस्ता तो एक ही करते हैं ना। मैं तो सस्ता से आग्रह कर रहा हूँ, मैं दोनों सोसाइटी से आग्रह नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सस्ता से कर रहा हूँ कि सस्ता डाटा को शेयर करे, क्योंकि अगर संस्था भी इनके डर में चल रही है कि हम डाटा शेयर नहीं दे सकते, उनके परमिशन बगैर नहीं दे सकते, तो वो संस्था भी मैं सोचता हूँ फिर कोई नहीं, तो मैं सर इसमें एक ये भी तो हो सकता है कि दोनों संस्था एक भी हो जावे, होने चाहिए, क्योंकि देखो काम तो एक्चुअली में दोनों घोड़े वालों के लिए कर रही है, अगर दोनों एक हो गई तो मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट उन्नति करेगा, नीचे तो जाने वाला है नहीं। घोड़ा के लिए तो कर रहे हैं और घोड़े के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों संस्थाओं को धन्यवाद है, बिल्कुल ये दोनों घोड़े के लिए कर रहे हैं, लेकिन घोड़ों के लिए करते करते साथ में जो मैं का ईगो घुसा हुआ है वो हानि कर रहा ना, वो तो सब निकाल, वो निकालने के लिए यही तरीका है ना कि वो कंपनी शेयर करें,
तो कंपनी दोनों संस्था को बराबर तोल देगी? नहीं तो सर, इन दोनों संस्थाओं के चक्कर में मेरे को लगता है कि संस्थाओं को तो चलो कुछ नहीं जा रहा, पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग कंफ्यूज वास्तव में हो रहे हैं और लोगों को भटकाया जा रहा है। क्योंकि देखो, आज मान के चलो ग्रुपों की भी बात करें, है ना, तो कोई बंदा कहता है हम तो उससे कराएंगे, कोई कहता है हम उससे कराएंगे, तो यानी कि बंदों को भी खुद को आदों को समझ में, जिसमें दिमाग है उसको तो समझ में आ रहा है कि मेरे को कहां कराना है। अब जिसमें थोड़ा सा कम दिमाग है तो उसको तो खाली भटकाया ही जा रहा है ना। तो दोनों को एक होने की मेरे को लगता है, शायद मैं ये नहीं कह रहा दोनों एक हो, पर मेरे को लगता है कि जरूरत है। देखा है, जैसे मैं हूँ, मेरे घोड़े का डीएनए मैंने डुंगलो सोसाइटी से करा रखा है, बिल्कुल, और वो 4 साल पहले करवा लिया। मेरी घोड़ियों का भी मैंने डीएनए 8 घोड़ियों का करा रखा है, बिल्कुल ठीक है, और उसकी बच्चे बच्ची भी आ गए। तो आज मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मेरी मजबूरी है क्या मैं डीएनए 19 से कराऊं? नहीं, मजबूरी क्या, आपको मैरिज वहां कराओ, तो मैं वहां दूसरी जगह कराऊंगा तो मैं मारवाड़ी में समझ लो करवाऊं बच्चियों का, और अननोन लिखा जाएगा, तो मेरे तो विजय देव की धूल हो गई, मिट्टी हो गई, क्यों आएगा? मैं उस कंपनी पे क्लेम करूंगा। क्या बात करते हो, मैंने वकील से भी एडवाइस ली है कि डीएनए कंपनी कर रही है, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं कर रहा है, तो उस कंपनी का जिम्मेदारी बनता है कि वो डीएनए उजागर करे, और डीएनए की बच्चियां हैं, वो बच्चा हो, किसी का भी घोड़ा घोड़ी हो, और वो सार्वजनिक रूप से डीएनए करे तो बहुत अच्छा रहेगा, आम आदमी को फायदा मिलेगा। 2 सोसाइटी 4 सोसाइटी किसी के फेवर में अपने को नहीं तो कमेंट्स करना, नहीं जाना है, व्यक्ति को खुद को सोचना है कि मुझे इस डीएनए का लाभ मिले, मैं उसी संस्था से समझ लो करवाना चाहता हूं, और वो मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, हो सकता है मैं असंतुष्ट हूं, तो मैं कब तक संतुष्ट होऊंगा? तो डीएनए का एक जो फंडा है उसको बहुत क्लियरिटी पे होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, हम तो ये कह सकते हैं डीएनए होना चाहिए। अब आप किस संस्था से कराओ वो आपका लुकआउट है, कैसा रेस्पॉन्स मिला आपका है। और नहीं सर, मार्केट में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मन हम कराएं या नहीं कराएं, तो क्या उनके मार्केट घोड़े जैसे आपके घोड़े के बच्चे मार्केट में है जी, तो अब आपकी मन की इच्छा चल सकती है कि नहीं चल सकती है? नहीं चलेगी, क्योंकि मालिक वो है, या तो वो प्राइवेट करे घोड़ा, वो प्राइवेट, अगर कोई भी बंदा मेरे से बच्चा लेके गया और मान लीजिए वो डीएनए नहीं करवाना चाहता तो नहीं कराएगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मेरी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो उसकी सजा वो भोगेगा, मैं तो मेरे यहाँ से देने वाले बच्चे का ये मान के चलता हूँ कि इसका तू कहीं भी दुनिया में जाके डीएनए करवा लेना, इसका अप्रूवल रिजल्ट आएगा, अगर वो खुद नहीं तो उसका दोषी अपन। तो सर, अभी डीएनए के मुद्दे के बीच में एक मुद्दा और चल रहा है कि पूछ के बाल गिनो जी, तो आपने अपने घोड़े के पूछ के बाल गिने के नहीं गिने? ये सर जोके हैं और इनसे कुछ नहीं होना है, पूछ के बाल गिने या नहीं गिने क्या करें, और मुद्दा नहीं, मुद्दे तो ये क्या चल रहे हैं, मुद्दे तो बहुत ही मुद्दे चल रहे हैं आजकल, कई लड़के ऐसे हैं जो 15 साल 17 साल 18 साल के हैं, और वो अगर कहीं अपनी काबिलियत के आधार पर सर्विस करना चाहें जाएं घोड़े मार्केट में, तो उनको मैं सोचता हूँ कि सैलरी इतनी नहीं मिल पाएगी 10-15 हज़ार रुपये, लेकिन इस यूट्यूब के और सोशल मीडिया के से वो इतने बड़े 17 साल के 18 साल के जो लड़के हैं काफी एरिया में, मैं अभी क्या बताऊं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनको 100-100 साल का अनुभव है, और वो अनुभव शेयर करते हैं, साल में एक घोड़े में टोपी रख देते हैं तो उनका 12 महीने का खर्चा घर बैठे ही आ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, हमारे यूट्यूब वाले भी कर रहे हैं, यूट्यूब वाले खुद नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह देता हूँ वो उनका अनुभव ऐसे है, वो दादा नाना मामा काका कर करा के अगर उसकी चपेट में, सामने वाले को हमेशा मूर्ख समझता है, ये सबसे बड़ी भूल होती है जीवन में, बिल्कुल सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो कमजोर समझता है वो मात खा जाता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को सचेत नहीं कर पाता है। तो ये क्या कि वो उनको सोचते हैं ये नए बच्चे हैं क्या बोलेंगे, अरे वो तुम्हारे बाप है, उनको 100 साल का अनुभव है, और 100 साल का अनुभव वो 5 मिनट में ऐसी टोपी रख देते हैं कि उनके 12 महीने का खर्चा आ गया आ जाता है। हाँ, और फिर कुछ नहीं होता है, ये सब जितनी भी फ्रॉड चल रही है उसमें 50% तो ओनर जो परचेजर है उनकी गलती है कि वो किससे माल ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं।